हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ससु जी के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल। तो चलिए देखते हैं साबुत मसूर की दाल की रेसिपी। ये देखिए, ये हमारा दाल है जिसको हमने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है 2 से 3 पानी। और ये हमने अपना कुकर रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसको गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा कुकर गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप लोग यूज कर सकते हैं। ये हमने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से गर्म करने देंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा आधा चम्मच छोटे चम्मच से हींग और आधा छोटे चम्मच जीरा। और ये हमारा 2 तेज पत्ता है, इसको भी डालेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे 2-3 सेकंड। ये देखिए जीरा और तेज पत्ता हमारा भून चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे ये हमारा 4 से 5 हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया। ये अदरक है 1/2 इंच और ये लहसुन है 8 से 10 के लिए। इनको भी हमें बारीक बारीक काट लिया। इन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको पहले अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट। ये देखिए इसके हम डालेंगे अपना प्याज। ये हमारा 2 मीडियम साइज के प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए प्याज हमारा हो चुका है। इतना ही हमें फ्राई करना है प्याज को, ये देखिए। और इसका फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि अब हम मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और ये है हमारा कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये डालूँगी 1.5 चम्मच। और ये है हमारा जीरा और काली मिर्च पाउडर जिसको हम जीरा काली मिर्च को मिक्स करके पीसते हैं। आपके पास अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। और ये है हमारा गरम मसाला, ये भी 1/2 छोटे चम्मच डालेंगे। और इन सबको हम पहले मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम अपना ऐड करेंगे टमाटर। ये हमने टमाटर लिया है 2 जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसको डाल देंगे। टमाटर को मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच पानी। ये देखिए 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। अब इसका फ्लेम हम कर देंगे हाई और हमें अब मसाला भूनना है अच्छे तरीके से, चलाते रहे बीच बीच में। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी दाल और इसको 2 से 3 सेकंड ऐसी दाल के साथ मसाला को भूनना है। ये देखिए हमारा दाल भी भून चुका है मसाले के साथ, देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी में डाल रही हूँ इसके अंदर मीडियम साइज के गिलास से 2 गिलास पानी डाल रहे हैं हम, ये देखिए। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसको हमें सीटी लगाना है। 1 सीटी लगाएंगे हम हाई फ्लेम पे और 1 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने अपने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसको हम सीटी आने तक वेट करेंगे। उसके बाद हम पूरा गैस निकलने तक वेट करेंगे, फिर तभी हमें ढक्कन खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना है। ये देखिए फ्रेंड हमारा कुकर का गैस पूरा निकल गया था, मैंने ढक्कन खोल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया डाल के हम मिला लेंगे इसको अच्छे तरीके से। देखिए हमारी दाल कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम से गल चुकी है पूरी।
ये देखिए। तो चलिए मैं अपनी दाल आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा साबुत मसूर का दाल बनकर एकदम रेडी हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो आपको हमारी साबुत मसूर की दाल की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया करिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी